आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को देपालपुर में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पर सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। देपालपुर जनपद क्षेत्र में 75 पंचायत और 19 जनपद सदस्य के लिए नामांकन दाखिल हुए, जिसको लेकर नेताओं की सुबह से ही आवाजाही लगी रही। वहीं 19 जनपद सदस्य के लिए 64 नामांकन फार्म जमा हुए। वहीं सरपंच और पंच के जानकारी देर रात तक अधिकारियों से नहीं मिल पाई। जैसे जैसे फार्म भरने का अंतिम समय आता गया, वैसे वैसे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती दिखाई दी। वहीं लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंची। इस दौरान 3 बजे तक लोगों को टोकन बांटे गए, जिसकी प्रक्रिया देर शाम 5:30 बजे तक चलती रही। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत देपालपुर के जनपद पंचायत की सीट के लिए नामांकन का आखिरी समय था, आखिरी दिन था, और आखिरी समय तक हमारे पास कुल 64 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19 जो जनपद पंचायत की सीटें हैं, वार्ड हैं, वहाँ पर निर्वाचन होगा। बाकी 6 के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर उन पर भी नामांकन दिया गया था, बीच में उन पर भी चुनाव नहीं होना है। और उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी आ जाता है हमारी प्रीमाइसेस में, उसको हम पर्ची बांट करके उनको हम अंदर लेंगे, उनके नामांकन पत्र को जमा कराना था। इस प्रक्रिया का हमने पालन किया था, सभी को पर्ची बांटे थे जो यहाँ पर आ गए थे, और ऐसा करते करते लगभग 5:30 बजे तक हमारा नामांकन आ चला है यहाँ पर, और अंतिम जो हमने लिया उसमें 64 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।